हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के एक नए लेक्चर के बारे में। एंड जो टॉपिक है इसका नेम है इक्वेशन फॉर रियल गैस। एंड जो रियल गैस के लिए इक्वेशन बनती है उसे हम वंडरफुल इक्वेशन फॉर रियल गैस भी कहते हैं, राइट? देखिए, गैसियस स्टेट के अंदर अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली है, डिफरेंट टाइप के लोस के बारे में बात कर ली है, उसके अलावा हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बात कर ली है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में बात कर ली है, डेंसिटी के बारे में बात कर ली है। बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार रियल गैस के लिए अगर हमें इक्वेशन डिराइव करनी पड़ जाए, इससे पहले हमने आइडियल गैस के लिए इक्वेशन डिराइव की थी, एंड जो इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, जो हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास PV=nRT। आइडियल गैस की इक्वेशन थी वो थी हमारे पास PV=nRT। लेकिन अब हमें डिराइव करनी है रियल गैस की इक्वेशन, क्योंकि अभी तक हम चैप्टर में इतनी समझ ले चुके हैं कि एक्चुअलिटी में आइडियल गैस जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई गैस नहीं होती जिसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो। मे बी बहुत वीक इंटरेक्शन होगी, जैसे लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स टाइप की, लेकिन होगी जरूर। यानी कि एक्चुअलिटी में आइडियल गैस जैसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें क्या चाहिए, जो रियल गैसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती है उनकी इक्वेशन क्या होगी, एंड उसी इक्वेशन को हम कहते हैं वंडरफुल इक्वेशन फॉर रियल गैस। यानी कि हम डिराइव करेंगे आइडियल गैस की इक्वेशन से रियल गैस की इक्वेशन। अब देखिए होता क्या है, थोड़ी सी मिथ जानते हैं और उसमें किस तरीके से उसमें करेक्शन करके हम आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करेंगे उसकी बात करते हैं, राइट? अब देखिए होता क्या है, हमने कहा था कि हमारे पास मान लीजिए कंटेनर, थोड़ी सी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और फिर बात करेंगे कि इससे हमारी जो रियल गैस है कैसे कैसे डेविएट करेगी और क्या क्या करेक्शन करके हम इस इक्वेशन को ही रियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? देखिए आइडियल गैस ने हमें कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो नेग्लिजिबल होती है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, इसी वजह से हम वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लेते हैं, है ना? इसी वजह से हम वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो होता क्या है, इस चीज का मतलब जानना, इस चीज का मतलब हमारे पास है जो आइडियल गैस की इक्वेशन, जो आइडियल गैस हमारे पास पार्टिकल होते हैं, आइडियल गैस के अंदर जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो बहुत थोड़ा सा ही स्पेस कंटेनर के अंदर घेरते हैं, वो बहुत थोड़ा सा ही एक कंटेनर के अंदर स्पेस घेरते हैं। और यहां पर जो हमने वॉल्यूम ली है वो वॉल्यूम कौन सी होती है, ये वो वॉल्यूम होती है जो कि अवेलेबल होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जिसके अंदर वो फ्रीली मूव कर सके, राइट? ये वो वॉल्यूम होती है जिसके अंदर, ये वो वॉल्यूम है, ये वो स्पेस होता है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल क्या कर सके, फ्रीली मूव कर सके, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव कर सके। तो हमारे पास आइडियल गैस क्या कहती है कि आइडियल गैस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि वो बहुत थोड़ा सा स्पेस ही घेरेंगे। अब देखिए जहां पर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं वो एरिया कितना सारा है, ऑलमोस्ट सारा का सारा एरिया ही अवेलेबल है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है इतने सारे एरिया में क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये जो एरिया है जो ऑक्यूपाई किया है आइडियल गैस के पार्टिकल्स में बहुत थोड़ा है, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम जिसके अंदर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे वो लगभग लगभग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल ही होते हैं। तो ये बात थी हमारे पास आइडियल गैस की। लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं। हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है तो रियल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। तो अब की बार इसके केस में हम ये नहीं मान सकते कि हमारी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, वो वॉल्यूम जहां पर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। अब की बार हम वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं मान सकते हैं रियल गैस के केस में। क्यों? क्योंकि रियल गैस के अंदर जो रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू आइडियल गैस, ठीक है? इसकी वजह से जो एरिया इन्होंने छोड़ दिया फ्रीली मूव होने के लिए बहुत थोड़ा सा है, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास एक पूरा कंटेनर है, ठीक है? इतना एरिया तो हमारी रियल गैस के मॉलिक्यूल ने घेर लिया, इतना सा एरिया बचा हुआ है फ्रीली मूव करने के लिए, तो ये एरिया बहुत कम है, राइट? ये वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसी वजह से रियल गैस के केस में हम वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं मान सकते। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वॉल्यूम करेक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को करेक्ट करना पड़ेगा, राइट? अब देखते हैं दूसरी बात, ये थी पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो आइडियल गैस क्या कहता है, आइडियल गैस कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कंटेनर की वॉल है तो
कोई भी गैस कितना प्रेशर लगा रही है वो कैसे पता चलेगा कि जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है वो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर कितना ज्यादा जाकर फोर्स लगा रहे हैं, कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, राइट। वही पर क्या हो जाएगा हमारे पास, उस गैस का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आइडियल गैस कहती है कि जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन तो लगाते नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन तो लगाते नहीं है। तो जब ये मॉलिक्यूल जाकर स्ट्राइक करेंगे इन वॉल्स के ऊपर, तो सारा का सारा प्रेशर कौन सा होगा जो यहां पर ये मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर लगा रहे हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं हमारे गैस के मॉलिक्यूल जो है सारा का सारा प्रेशर वॉल के ऊपर ही लगा रही है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो सारा का सारा जो प्रेशर होता है वो इक्वल होगा पी एक्सटर्नल के। एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहे, सारा का सारा प्रेशर जो है वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर लगा रहे हैं, और वही प्रेशर एज्यूम किया जाएगा। लेकिन रियल गैस के केस में क्या होगा, रियल गैस में होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में इंटरनल प्रेशर भी प्रेजेंट होगा और ये मॉलिक्यूल जाके इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर भी जाके स्ट्राइक करेंगे, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा। तो रियल गैस के केस में, रियल गैस के केस में जो प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल भी होगा प्लस पी इंटरनल भी होगा, ठीक है। देखिए प्रेशर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो वॉल के ऊपर कितना लगा रहे हैं, हमें यहाँ पर टोटल प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है पी वाली टर्म, ये क्या है, ये हमारे पास टोटल प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं या फिर लगा सकते हैं। तो आगे गैस में क्या दिया था कि भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो इनके बीच में पी इंटरनल का क्या हो गया, जीरो। तो सारे का सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल। लेकिन हमें पता है एक्चुअलिटी में मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन अट्रैक्शन जरूर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे पी इंटरनल जीरो नहीं होगा। तो जो रियल गैस का प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल के इक्वल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें एक तो हो गई वॉल्यूम करेक्शन, दूसरी हमें करनी पड़ती है इसके अंदर प्रेशर करेक्शन, दूसरी चीज हमें करनी पड़ती है प्रेशर करेक्शन, ठीक है। और इन दोनों करेक्शन करने के बाद ही हमारे पास क्या निकल के आती है, रियल गैस इक्वेशन निकल के आती है। और वो रियल गैस इक्वेशन क्या है, वो रियल गैस इक्वेशन हमारे पास है पी प्लस एन स्क्वेयर ए बाय बी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, हमारे पास जो प्रेशर है रियल गैस का वो बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि रियल गैस के केस में इंटरनल प्रेशर भी लग रहा है, जबकि आइडियल गैस के केस में कोई इंटरनल प्रेशर नहीं लग रहा था। यानी कि मैं कहूंगा जो प्रेशर होगा रियल गैस का वो ज्यादा होगा प्रेशर जो है आइडियल गैस के कंपेयर में। टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं। आपने कहीं कई जगह लिखा होगा, बुक में ये लिखा होता है पी आइडियल जो है वो ज्यादा होता है पी रियल के, ठीक है। आपने कई बुक में देखा होगा, देखो कई बुक में लिखा हुआ है क्या, पी आइडियल जो है कि प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस जो है वो ज्यादा है रियल गैस के प्रेशर के कंपेयर में। बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे सर अभी तो आपने उल्टा लिखा है, पागल बना रहे हो क्या, मतलब पागल नहीं बना रहा हूं। फर्क क्या है, ये जो केस है ना ये है एक्सटर्नल प्रेशर की बात के लिए, ठीक है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो आइडियल गैस का ज्यादा है रियल गैस के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस में जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जाके टकराएंगे वो प्रेशर है, लेकिन रियल गैस के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा लॉस कर देंगे, उसको लॉस करेंगे तो वो इतनी फोर्स से जाके टकरा नहीं पाएंगे वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जाकर, और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से उनका प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो जो पी आइडियल है वो ज्यादा है पी रियल के केस में। ये बात कब ठीक है, जब हम मेंशन कर दे कि वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर है, जब हम मेंशन कर देंगे वो क्या है एक्सटर्नल प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल प्रेशर क्या है रियल गैस का ज्यादा होता है आइडियल गैस के कंपेयर में। दूसरी बात, हमने इसी वजह से क्या किया है प्रेशर में तो ऐड किया है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया रियल गैस का आइडियल गैस के कंपेयर में, तो जो फैक्टर ऐड हुआ है वो है एन स्क्वेयर ए बाय बी स्क्वेयर। दूसरी बात क्या, वॉल्यूम डिक्रीज की हुई है, क्योंकि हमने क्या कहा था ये वो वॉल्यूम होती है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल होती है फ्रीली मूव करने के लिए। तो देखिए आइडियल गैस में तो कितनी सारी वॉल्यूम अवेलेबल है मूव करने के लिए, लेकिन रियल गैस में क्या है बहुत थोड़ी सी ही वॉल्यूम अवेलेबल है जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसी वजह से वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट आया, वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट आया। तो आई होप आपको जो इक्वेशन है ये किस तरफ रुख कर रही है वो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आखिरकार यहाँ पे एन क्या है, वी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, राइट। तो हमारे पास यहां से हमने क्या कर लिया है, इन सभी प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन को आइडियल गैस की इक्वेशन में करेक्ट करने के बाद एक इक्वेशन निकाल ली है, और वो इक्वेशन हमारे पास क्या आई है,
वो इक्वेशन हमारे पास आई है पी प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी मुश्किल इक्वेशन है कैसे याद होगी, अरे मैंने भी तो करी है, मुझे भी याद है। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम 11th में याद की थी, उसके बाद मैंने कभी उठा के नहीं देखी इस इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि यार आपके पास दो टाइप के माइंड है, एक तो आपका एक्टिव माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाके ऐड हो जाती है ना, उनको आपको दोबारा से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि 11th में आपने क्वांटम मॉडल के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो क्या है, डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई जेड स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैंने लास्ट टाइम 11th में ही पढ़ी थी, मैंने उसके बाद कभी इस इक्वेशन को हाथ लगा के नहीं देखा है, तो याद है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है, राइट। तो तीन चार बार आप भी करोगे मन लगा के तो हो जाएगी, राइट। अब देखिए बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, ये बनी है पी प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ए एंड बी क्या है और वी क्या है, तो देखिए पी तो हमारे पास हो गया प्रेशर, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पी तो हो गया प्रेशर, ठीक है, एन हो गया यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ए हमारे पास है वैन डेर वाल कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था हमारे पास यहां पर इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, ए क्या होता है वैन डेर वाल कांस्टेंट होता है, और ये हमें किसके बारे में बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा ए होगा, तो मैं कह सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी हमारे पास हो जाती है वॉल्यूम, वी हमारे पास है यहां पे वॉल्यूम, चाहे ये वी हो चाहे ये वी हो, ठीक है, बी हमारे पास क्या है, बी भी हमारे पास क्या है वैन डेर वाल कांस्टेंट, बी भी हमारे पास क्या है वैन डेर वाल कांस्टेंट है, और ये हमें क्या बताता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बीच में बारे में बताता है, ये हमें साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बीच में सॉरी साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन पूरी की पूरी। एनआरटी में देखिए आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर देखने को मिलेगा, और नंबर ऑफ मोल्स तो हम जितने आइडियल गैस के ले सकते थे उतने ही रियल गैस के भी ले सकते हैं, तो इस साइड में कोई भी करेक्शन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है पूरी की पूरी वैन डेर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। अब आप बात करोगे सर ये ए के बारे में थोड़ा सा बी के बारे में जानकारी दो, बाकी सब तो समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले बी की बात करते हैं, हुआ क्या था, हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारी जो रियल गैस की रियल गैस है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू आइडियल गैस। तो रियल गैस के पास फ्रीली मूव करने के लिए जो वॉल्यूम है वो कम होती है। अब कितनी कम होगी वो तो डिपेंड करता है ना कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना ज्यादा है ना, हमारी रियल गैस की मॉलिक्यूल्स के पास कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है फ्रीली मूव करने के लिए वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कितना बड़ा साइज है हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स का। तो जो बी है वैन डेर वाल कांस्टेंट वो हमें साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में ही जानकारी देता है, जितना ज्यादा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगा उतनी ज्यादा कम या फिर आप कह लीजिए जितना ज्यादा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगा उतनी ज्यादा जगह घेर लेंगे हमारे गैस के मॉलिक्यूल और उतनी कम उनको स्पेस अवेलेबल होगा रोटेट करने के लिए यानी कि फ्रीली मूव करने के लिए। इसलिए हमने क्या किया है एन बी को माइनस किया है, बी तो हमारे पास है वो वॉल्यूम जो कि मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल है फ्रीली मूव करने के लिए, और एन बी एन तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एन तो हमारे पास क्या हो गए नंबर ऑफ मोल्स हो गए, बी कितने साइज की गैस है, जितना बड़ा साइज होगा गैस का उतनी जगह वो घेर लेंगी और उतनी कम हो जाएगी हमारी वॉल्यूम फ्रीली मूव करने के लिए। इसलिए हमने क्या किया बी माइनस एन बी करें, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए ए मैंने क्या बताया ए हमारे पास वैन डेर वाल कांस्टेंट है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, कौन सा प्रेशर इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगा हमारा जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल गैस के प्रेशर से उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन मैं ले लूंगा, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी मेरे
मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की, उतना ज्यादा उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगी, इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगी, इसलिए हमारे पास एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। राइट, अब देखिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कई बार, यहाँ पे हमारे पास कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ए और बी को कंपेयर करो, क्वेश्चन बनेगा हमारे पास ए और बी को कंपेयर करो, दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास ए और बी की यूनिट बता दो, ए और बी की यूनिट बता दो। अब देखो पहली चीज हमारे पास क्या है, पहले हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, एक तो अमोनिया है, एक CH4 है, एक N2 है और एक H2 है, और मुझसे कहा जाए कि बताओ इसमें ए के बारे में, मुझसे कहा जाए सबसे ज्यादा ए किसका होगा, सबसे कम ए किसका होगा, तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर हमने कई सारे ग्राफ देखे थे और उसमें हमने ये पाया था कि हमारी जो गैस है रियल गैस वो कितना डेविएट कर रही है आइडियल गैस के कंपेयर में, वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो सबसे प्रायोरिटी वाला फैक्टर होता है वो होता है कि उन गैस के मॉलिक्यूल में कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहां पे हमें देखने को मिलेगी जहां पर हमें गैसेस के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। राइट, उतनी ज्यादा डेविएशन भी हो जाएगी। तो देखिए अमोनिया में डाइपोल प्रेजेंट है, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे पोलैरिटी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अमोनिया की गैस के मॉलिक्यूल में होगा, वैसे भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं, है ना, वैसे भी अमोनिया के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, अमोनिया में। सेकंड हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के बाद क्या आता है, कहीं पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाए तो ना तो यहां पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो सकता, ना यहां पर ना यहां पर। देखिए बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सबको नहीं, तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जाके वीडियो देखिए आप, वहां पर जाके हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि वही 10 मिनट का लेक्चर अगर मैं यहां पर दोबारा दूंगा तो ये वीडियो बेफालतू की 10 मिनट की एक्स्ट्रा बढ़ेगी। राइट, और अगर आप रैंडमली वो वीडियो देखते देखते यहां तक पहुंचे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, आपको टॉपिक्स कंप्लीटली समझ में आने चाहिए, तो आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जाके वीडियो देखिए, हमारी वीडियो वैसे भी बड़ी नहीं होती यार, आप पता नहीं कौन से कुछ कुछ चैनल पे एक घंटे की वीडियो देख लेते हो, और उस एक घंटे का कंटेंट में जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो 15-20 मिनट का होता है, तो हमारी वीडियो में ऑलरेडी कंटेंट 15-20 मिनट का ही होता है सारा ही मिला के, तो आप देख सकते हो। राइट, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जाया नहीं होगा, इतना मुझे अपनी वीडियो के ऊपर यकीन है। राइट, अब देखिए तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब क्रिएट हो नहीं रहा यहाँ पर कहीं पर भी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा फैक्टर था हमारे पास सरफेस एरिया, जितना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जितना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा ए की वैल्यू, तो कार्बन का साइज बड़ा होता है N2 के कंपेयर में तो CH4 का सेकंड आ जाएगा, फिर N2 का साइज बड़ा होता है H2 के कंपेयर में फिर N2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा H2। तो ये हमारे पास आ गया ए का ओवर, ये हमारे पास क्या आ गया ए का ओवर। राइट, ए यानी कि वैन डर वाल कांस्टेंट का ओवर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं चलो बी के ऊपर, ठीक है ओके। तो मान लीजिए मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास है मान लीजिए O2 है, एक मेरे पास Cl2 है और एक मेरे पास मान लीजिए N2 है, ठीक है, ये तीन गैस के मॉलिक्यूल है और मुझसे पूछा गया है बी का ओवर बताओ, तो हमें पता है बी क्या बताता है, हमें साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। राइट, तो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा बी होगा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो हमें पता है क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का मेंबर है, थर्ड पीरियड के मेंबर का साइज बड़ा होता है सेकंड पीरियड के कंपेयर में, तो Cl2 का साइज सबसे बड़ा, तो बी Cl2 के लिए सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा N2 क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, फिर आ जाएगा O2। तो ये हमारे पास बन गए दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर। राइट, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। राइट, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारे पास कि जो आपके पास ए और बी है इनकी यूनिट बताओ, ए और बी की यूनिट बताओ। तो चलिए ए और बी की यूनिट भी निकाल लेते हैं। आपने देखिए जब 11th में एंटर किया होगा, हाँ टॉपिक तो हम MSc लेवल का पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बातें 11th की भी याद होनी चाहिए। राइट, तो हमने एक चीज जानी थी क्या, कभी भी दो डिफरेंट क्वांटिटी जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, दो डिफरेंट डायमेंशन जो हमारे पास है, जो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन डिवाइड, बट दे कैन नेवर बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। राइट, तो देखिए ध्यान से क्या है हमारे पास, मेरे पास मैंने प्रेशर में m² a / b² को ऐड किया है,
मैंने प्रेशर में एम स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर को ऐड किया है, ये कब हो सकता है जब ये पूरी की पूरी टर्म जो है मेरे पास वो प्रेशर के इक्वल होगी, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूं एम स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर की जो यूनिट है वो वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, और प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, राइट। तो एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बन जाएगी यूनिट मोल का स्क्वायर, ठीक है। ए की यूनिट हमें निकालनी है, V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्रेशर की यूनिट हो जाएगी हमारे पास एटीएम। तो यहां से निकल के आ गई ए की यूनिट, और ए की यूनिट आ जाएगी मेरे पास एटीएम लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो इसको एटीएम लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू। तो ये आ गई हमारे पास ए की यूनिट, ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए की यूनिट। अब बात करते हैं बी की यूनिट की, तो सिमिलर थिंग है यहां पर, दो चीजें सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब इनकी ये आपस में इक्वल होंगे, जब ये आपस में इक्वल होंगे तभी तो चीज सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मैं प्रेशर के अंदर वॉल्यूम को तो सब्ट्रैक्ट देखो कर नहीं सकता हूं, मेरे पास तो ये जादुई शक्तियां हैं नहीं कि मैं 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं और कहूंगा कि मैं कहता तो 2 एटीएम प्रेशर माइनस करके दिखाऊंगा, तो मेरे पास देखिए है नहीं। तो आपका होमवर्क क्या है, वी माइनस एन बी, यहाँ पर जो बी की यूनिट है ये आपको पता करके बतानी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आखिरकार बी की यूनिट हमें क्या देखने को मिलेगी, आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो हमारे पास हो गए हैं, ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर और वॉल्यूम का ऑर्डर। अब हम बात करते हैं आखिरकार किस कंडीशन के ऊपर, आखिरकार किस कंडीशन के ऊपर हमें जो है ये बता सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन डिराइव करी है ये एकदम करेक्ट है। तो हम बात करेंगे अब कि हमारी जो इक्वेशन है ये कैसे प्रूव करें कि ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमने जो करेक्शन करी है ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हमने बात की थी कि अगर मेरा प्रेशर लो होता है, अगर मेरा प्रेशर लो होता है तो उस टाइम पर मेरे जो Z की वैल्यू है, अगर प्रेशर लो है हमारे पास तो Z की वैल्यू हमारे पास जो है वो लेस देन 1 होगी, और हाई प्रेशर के ऊपर Z की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी। तो वही लगा लेते हैं, एक बार लो प्रेशर की कंडीशन लगा देते हैं, एक बार हाई प्रेशर की कंडीशन लगा देते हैं, और फाइंड आउट करते हैं Z की वैल्यू क्या निकल के आती है। अगर Z की वैल्यू वही निकल के आ रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमने जो करेक्शन करी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एक तरीका है चीजों को फाइंड आउट करने का कि हमने जो किया है वो ठीक है भी या नहीं, ठीक है। आई होप आपको बेहतर वीडियो जो है समझ में आ रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको जो है, जो कंटेंट बाकी चैनल बहुत बहुत टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बहुत कम टाइम में भी यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी, कोई भी डाउट रहता है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके मुझे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो कंट्रोल इक्वेशन आई है रियल गैस की उसको कैसे कंपेयर करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ, या फिर हम अपनी कंट्रोल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन के अंदर, राइट। So thank you very much. Have a good day.